हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करना हो किस तरीके से आप अपने जो कि नोकिया के फ़ोन में आप इजीली जो कि डेवलपर मोड ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाते ही आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर दिखेगा तो वो 5 से 7 बार यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी लॉक हो उसको खोल देना है। खोलने के बाद आपका डेवलपर मोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बैक करूँगा तो आपको दोबारा से सेटिंग में जाना होगा और उसको ढूंढना होगा डेवलपर ऑप्शन को। तो इसके लिए आपको सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाएंगे तो एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये डेवलपर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप इजीली इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे OEM अनलॉक है, जैसे कि आपका FRP लॉक लग जाता है तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। और भी इनके फीचर्स वगैरह होते हैं जो कि आप इनेबल कर सकते हैं। USB डबगिंग मोड होता है, इनको भी इनेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल के ये फीचर्स होता है। बाकी इन सब के ऊपर आप पूरी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये रहा USB डबगिंग मोड, ये बेसिकली आप किसी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम में ये फीचर्स काम आता है, तो काफ़ी कमाल का है। तो इसी प्रकार से आप इनेबल और ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप की जानकारी आपको पसंद है। याद रखिएगा, बंद करना हो तो यहाँ पे इसको ऑफ पे क्लिक करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।